गुरुवार को संपन्न हुए जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में खकनार जनपद में एक बार फिर भाजपा ने अपना परचम लहराया, जहां जनपद अध्यक्ष के पद पर दिवंगत विधायक राजेंद्र दादू की छोटी पुत्री पूजा दादू काबिज हुई, वहीं उपाध्यक्ष के पद पर आरती नीलेश चौक से काबिज हुई, जहां भाजपा समर्थित पूजा दादू को 16 मत प्राप्त हुए, वहीं कांग्रेस के राकेश सोलंकी को 9 मत प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष के पद के लिए वहीं भाजपा की आरती नीलेश चौकसे को 17 मत प्राप्त हुए व कांग्रेस की मनीषा विजय चौधरी को 9 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। वहीं भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर छा गई व ढोल नगाड़ों के साथ बरसते पानी में जमकर झूमे। काम करेंगे, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और मेरे सारे वरिष्ठों, मेरे साथ में खड़ी सारी जनपद सदस्य और जिन्होंने मुझे वोट देकर जिताया, सारी मतदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी जो प्राथमिकता रहेंगी, मेरे साथ के जितने भी जनपद सदस्य हैं और मेरे क्षेत्र के, मेरे जनपद के जितने लोगों की जो समस्याएँ हैं, उनमें से जो मेन समस्या है पंचायत खकनार में जो आज उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए, कौन निर्वाचित हुआ मैडम और किस प्रकार से प्रक्रिया संपन्न हुई है? जैसा कि आप सबको पता है, आज खकनार ब्लॉक में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की डेट थी। उसमें पहले हमने सुबह जो मॉड्यूल था उसमें अध्यक्ष का चुनाव कराया और उसके बाद दोपहर में उपाध्यक्ष का चुनाव कराया। अध्यक्ष के चुनाव में हमारे पास दो अभ्यर्थी आए थे और उन दो अभ्यर्थियों में सुश्री पूजा दादू जी विजेता घोषित हुई है 16 वोटों के साथ। एंड उपाध्यक्ष के चुनाव में श्रीमती आरती चौकसे जी 17-25 में से 17 वोटों के साथ घोषित हुई है। खकनार से अजय सावनेर की रिपोर्ट।